हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए और नया व्लॉग। सो गाइस, हमारे पीछे की तरफ खड़ी हुई है किया सेल्टॉस 2023 और आज हम इसका व्लॉग बनाने के लिए आए हुए हैं किया सांगी, जो कि है टोंक रोड पर। अब हम एक्सपीरियंस करने वाले इस गाड़ी का, आज हम इस व्लॉग के अंदर बात करने वाले हैं पूरी की पूरी गाड़ी के वॉक अराउंड का, कैसी गाड़ी दिखती है, क्या सारे के सारे फीचर्स कंपनी अवेलेबल कराती है, कौन कौन से कलर्स में गाड़ी मिलती है और क्या सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर स्पेशल है। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं इसके एक्सपीरियंस में। मगर अगर आपको किसी भी किया का एक्सपीरियंस करना है तो आप सीधे के सीधे टोंक रोड पे किया सांगी के आउटलेट आ सकते हो और गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हो, बता भी सकते हो कि आपने हमारा व्लॉग देखा है। और वो सारी की सारी जो हम इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप जान सकते हो। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं न्यू सेल्टॉस 2023 के एक्सपीरियंस पे। सो गाइस, पेश करते हैं 2023 किया सेल्टॉस। सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी से, मगर उससे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस तरीके से किया ने अपनी जो कीज़ है उसमें चेंज कर दिया है। सेल्टॉस की पहले वाली जो की है उसके कंपेयर में ये थोड़ी नई नई सी की है। यहाँ पे हमारे पास में किया की ब्रांडिंग दिखती है, जो नया वाला लोगो है वो दिखने को मिलेगा। साइड के अंदर आपके पास में क्रोम बहुत सारा, मतलब अच्छा खासा क्रोम दिख रहा होगा, बहुत ही प्रीमियम। प्लस आपको ये चाबी दिख रही होती है। सेम टाइम पे की के इस तरफ आपके पास सारे बटन आते हैं, तो लॉक, अनलॉक। उसी के साथ में अगर आपको खड़ी गाड़ी को ऑन करना हो तो आप जैसे लॉन्ग प्रेस करके इसको रखेंगे वैसे ही आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। और उसी के साथ में हम पहले इसे लॉक कर लेते हैं। अब जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस के रखेंगे वैसे ही आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी, ये लाइट आपकी जली और आपकी गाड़ी चालू हो गई। इसी बटन को प्रेस करके आप अपनी गाड़ी को बंद भी कर सकते हो। उसी के साथ में अगर आपको बूट ओपन करना हो तो आप ये वाला जो बटन है इससे बूट ओपन कर सकते हो। गाड़ी में दोनों जो कीज़ हैं इनमें आपको सारे फंक्शंस मिलते हैं, कोई भी डमी की नहीं मिलती। साथ ही के अंदर सॉरी बहुत सारे लोग आ रखे हैं जिसकी वजह से बहुत शोर शराब है। सो इस गाड़ी का जो लेवल है ना, वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है कि लॉन्च होने के मैं 5वें दिन बाद आया हूँ फिर भी मुझे वैसा का वैसा क्राउड देखने को मिला है। ये तो रही क्राउड की बात है, अब बात करते हैं कलर की। तो सबसे पहले भाई साहब, ये जो कलर है ना ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल दो ऑलिव कलर, ग्रीन कलर जो है मैं उसका थोड़ा अलग सा फ़ैन फॉलोइंग है, मगर इसमें ये जो गोल्डन आपको दानों वाला टच जो देखने को मिलेगा ना, आई विश धूप में ना ये खिलकर गाड़ी और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। सबसे पहले फ्रंट में आपके पास में यहाँ पे किया का आपको लोगो दिखेगा, हल्का सा आपको एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर ये लोगो दिख रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके नीचे की तरफ ओवर चमचमाती हुई आपको टाइगर ग्रिल का जो बाहर वाला पार्ट है वो दिख रहा होगा। सो ये यहाँ से चलता हुआ पूरे एज टू एज गाड़ी का जो फ्रंट है इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई आपको एक ग्रिल की एप्लीक्वी एलिमेंट दिखेगा, आप एलिमेंट कह सकते हो उसको, ग्रिल का एलिमेंट दिखेगा। उसके नीचे की तरफ आपके पास में पियानो ब्लैक यहाँ पे फ्रंट ग्रिल है, हाफ़ ग्रिल जो है वो मतलब बंद है और हाफ ग्रिल आराम से विजिबल है, मतलब हाथ जा सकता है आपका। सो बेसिकली एयर इनटेक है उसका अच्छा खासा ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि अब सेल्टॉस ने अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारे न्यू चेंज कर दिए किया ने सेल्टॉस के अंदर। तो सबसे पहले आपको अब 360 कैमरा का यहाँ पे मॉड्यूल दिखेगा। तो यस, गाड़ी के टॉप वेरिएंट में अब 360 कैमरा आने लग गया है। उसके नीचे की तरफ जैसे यहाँ एलिमेंट है वैसे ही कुछ यहाँ पर भी आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही के अंदर यहाँ पे दिखेगी आपको DRLs। सो ये जो है ये DRL है, अभी जला कर देखते हैं कैसी इनकी रोशनी है। उसी के साथ में गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ इस तरीके के LED रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर की तरफ आपके पास में हल्का सा ग्रेश कलर का एलिमेंट है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों में ब्लैक सा आता है, यहाँ पे ग्रेश है। उसके नीचे की तरफ बहुत ही यूनिक स्टाइल के अंदर आपको यहाँ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में आइस क्यूब शेप्ड जो फॉग लैंप है वो दिख जाते हैं। पहले गाड़ी में 3 आते थे, अब 4 दिखेंगे। और यहाँ पर आपके पास में और पियानो ब्लैक एलिमेंट मिलेगा। साथ ही के अंदर गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट के अंदर 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। यहाँ पर हमारा एक रिकवरी पॉइंट मिल जाता है, और उसी के साथ में जैसे ही आप गाड़ी को यहाँ से देखोगे तो सेंटर में आपके पास में जो रडार है एडास का वो भी मिल रहा होता है। तो इट मीन्स ये जहाँ पर भी आपको ऐसा वाला पीस दिख रहा हो, इट मीन्स गाड़ी के अंदर एडास आ चुका है। तो यस, किया सेल्टॉस के अंदर Level 2 आपको एडास मिलता है, जिसके अंदर 17 बहुत सारे जो यूनिक एडास के फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको अवेलेबल होते हैं। जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे
उस वक्त हम इन फीचर्स के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सपीरियंस भी कराएंगे और एक्सप्लेन भी कराएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोग ये गाड़ी खरीदेंगे वो वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत अमेजिंग होएगा, साथ ही के अंदर जो लेने वाला है दे शुड ऑल्सो गेट टू नो कि गाड़ी में कुछ इस तरीके के फीचर आते हैं। अगेन जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे ही नीचे की तरफ आपको हल्का सा सिल्वरिश कलर के एलिमेंट के अंदर स्किड प्लेट दिखेगी, जिसकी वजह से इस गाड़ी को और ज़्यादा यूनिक, जिसे कहते हैं ना SUV लुक देने की कोशिश करी गई है। आजकल इंडिया के अंदर ये वाला जो SUV पैटर्न है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉपुलर है, जो कि एक लग्जरी कार ही है मगर उसकी डिज़ाइन एलिमेंट थोड़ी सी SUV जैसी भी होती है। हाई स्पीड स्टेबल और SUV-ish लुक, हेडरूम, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। तो इस वजह से ना ये जो कल्चर है ना इस तरीके की गाड़ियों वाला बहुत पॉपुलर हो रहा है, और हर ब्रांड अपने अपने सेगमेंट में मतलब कोशिश कर रही है कि वो एक एलिमेंट, एक प्रोडक्ट अपना इस तरीके का दे। सामने वाला जो हुड है उस पर हल्के से आपको यहाँ पर ना एक डिज़ाइन एलिमेंट दिखेगा, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा और जैसे कहते हैं ना मस्कुलर लुक वो देने की कोशिश की गई है। जैसे ही आप साइड के अंदर चलोगे, अभी इसकी लाइट भी जला के दिखाएंगे, जैसे आप गाड़ी में साइड में चलोगे वैसे ही आपको दिखेगी हल्की सी प्लास्टिक की जो कहते हैं ना व्हील आर्चेस शेप, जो कि इस टायर को और ज़्यादा आपको कहते हैं ना बोल्ड एंड बल्की लुक देने के लिए। और साथ के अंदर आपका सेंटर में मिल जाता है यहाँ किया का लोगो। गाड़ी में आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, उसी के साथ में ABS, EBD जैसे जितने भी फंक्शंस हैं व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वो सारे के सारे आपको इस गाड़ी में एज स्टैंडर्ड मिल रहे होते हैं। गाड़ी में आपको चारों डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं। और जो टायर साइज है इस गाड़ी के अंदर वो है 215/55R18। लोअर जो ट्रिम है उसके अंदर आपका 17 इंच आएगा, और जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर 18 इंच आपकी टायर प्रोफाइल मिलेगी। अब जैसे ही आप यहां से आगे की तरफ जाओगे वैसे ही आपको गाड़ी के अंदर फोल्डेबल जो ORVM है टॉप वेरिएंट में वो मिल रहे होते हैं। हम इनको हल्का सा ऑटो फोल्ड मतलब खोल लेते हैं ताकि ये और ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से दिख पा रहे हो। टटरा, सो आपके पास ऑटो फोल्ड ORVM मिलते हैं, उसी के साथ में आपके जो ORVM है उसके अंदर इंटीग्रेटेड आपके इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं। एक और स्पेशल चीज़ आपको यहाँ से भी दिखा देते हैं, कोने में यहाँ पर ना आपके पास में इस तरीके का सिंबल दिख रहा है, तो इट मींस गाड़ी के अंदर ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग जो सिस्टम है वो आपका एयरडास का एक पार्ट आ चुका है। जैसे ही कोई गाड़ी साइड से आपकी जा रही होती है वैसे ही ये ब्लिंक करने लग जाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपका ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ कोई व्हीकल है। सबसे पहले मैंने ये वाला फंक्शन जो था ये वोल्वो के अंदर देखा था एंड आई लव्ड इट। बहुत ही बड़ी साइज़ के आपको गाड़ी में विंडशील्ड मिल रही होती है, और प्रॉपर जिसे कहते हैं ना एरोडायनेमिक वैसी शेप। साथ के अंदर आपके पास में डुअल वाइपर सेटअप मिल रहा होता है, और विंडशील्ड जो फ्लूइड है उसके यहाँ पर छुटकू से आपको दो पॉइंट मिल रहे होते हैं। अब गाइस जैसे ही आप गाड़ी के साइड के अंदर चलेंगे वैसे ही आपको एक क्रोम एलिमेंट यहाँ से चलता हुआ पूरा का पूरा पीछे की तरफ यहाँ तक आपको एक क्रोम एलिमेंट दिखेगा। एक और बहुत स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी के जो ग्लासेस आप देख रहे हो ना ये आपको थोड़े ज़्यादा टिंटेड महसूस हो रहे होंगे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर UV प्रोटेक्टेड ग्लास आ रहे हैं फ्रंट भी और बाकी सारे के सारे। गाइज ये वाली जो चीज़ है ना ये दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि इंडिया के अंदर लीगल नहीं है ग्लास को टिंट करवाना, और अगर आपको ब्रांड की तरफ से ही हल्के से टिंटेड ग्लास मिल रहे होते हैं तो राजस्थान की जो गर्मी है ना इस गर्मी के अंदर इससे ज़्यादा भगवान वाली बात कहीं कुछ नहीं है। सो आई विश हर ब्रांड अपने वेरिएंट्स में टिंटेड ग्लास देने लग जाए, एटलीस्ट राजस्थान में जो गाड़ी आ रही है उनमें तो पक्का देने लग जाए, जिसकी वजह से गाड़ी में ना आपकी फ्यूल कंजप्शन भी कम होता है और आपकी गाड़ी गर्म भी कम होती है। एक और आपको यहाँ पर ना स्टैंडर्ड मड फ्लैप्स जो हैं वो ये कंपनी फिटेड ही मिलते हैं, कई गाड़ियों में पार्ट ऑफ एक्सेसरी आता है, इस गाड़ी के अंदर ये पहले से ही फिटेड है। साथ में जैसे आप यहाँ देखोगे वैसे ही आपको बड़े ही चंकी यहाँ पे डोर हैंडल्स मिलेंगे, क्रोम का यहाँ पे उपयोग करा गया है, तो फ्रंट के अंदर जैसे क्रोम है वैसे ही यहाँ पर आपका छोटा सा क्रोम है और थोड़ा सा यहाँ पे क्रोम मिलेगा। साथ के अंदर ये वाला एलिमेंट जो है यहाँ पर आपका हल्का सा ब्लैक एलिमेंट है, ताकि एक सिंगल पूरा का पूरा पीस महसूस हो, थोड़ा और स्पोर्टी आपको फील दे रहा होता है। ऊपर की तरफ हमारी दो रूफ रेल्स है, हालांकि फंक्शनल नहीं है और दिखने में बहुत खूबसूरत है। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे सेल्टॉस में शुरू से अच्छी लगी वो लगी है कर्टन। सो ये वाला जो कर्टन है कंपनी फिटेड है, कोई बाहर से लगा हुआ नहीं है, न पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगेन राजस्थान की गर्मी, तो अभी अंदर से भी इसको देखेंगे क्या इसका फोल्डिंग मैकेनिज्म है। जैसे आप गाड़ी को साइड के अंदर देख रहे होते हो वैसे ही आपको
बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना सिंप्लिसिटी, नो नॉट ओवर कर्व्स वाली आपको ये गाड़ी दिख रही होती है। साथ के अंदर नीचे की तरफ जब आप रनिंग बोर्ड के पास में देखोगे तो यहाँ पर अगेन आपका हल्का सा एक एलिमेंट एड ऑन है, जो कि जिसे कहते हैं ना डोर क्लैडिंग वाली जैसी की जैसी शेप। तो बेसिकली डोर क्लैडिंग ही है, पर आई डोंट विश कोई भी इस पर भी स्क्रैच करना चाहेगा। सो यहाँ से हम पीछे की तरफ चलते हैं। अब जैसे आप गाड़ी में पीछे चलते हो वैसे ही आपके पास में बड़े साइज़ के, हम एक काम करते हैं, हम अगेन गाड़ी को खोल ही लेते हैं, आपको बहुत बड़ी साइज़ के गाड़ी के अंदर डोर्स मिलते हैं, अच्छे खासे आपको, जिसे कहते हैं ना अच्छे बड़े साइज़ के डोर्स। सो आराम से इनग्रेस आउटग्रेस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, इसका ख्याल रखा हुआ है। साथ ही के अंदर जैसे हम फ्रंट के अंदर कैमरा की बात कर रहे थे, वैसे ही आपको जो ओवर वीएम है उसके अंदर भी यहाँ पर कैमरा मिल रहा होता है। सो फ्रंट के अंदर वहाँ पे और साइड के अंदर यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे गाड़ी में आगे तो डिस्क मिलते हैं, पीछे भी आपको यहाँ डिस्क ब्रेक्स मिल रहे होते हैं, तो इट्स वेरी गुड, गाड़ी की कंट्रोलिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और पीछे की तरफ यहाँ से आपका एक छोटा सा ग्लास है, तो अब इस ग्लास का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जब आप बैठ रहे हो तो यहाँ पर आप बिल्कुल एग्जैक्ट आपका फेस होता है, तो हल्का सा ना आपको क्लोस्ट्रोफोबी महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है खुला खुला सा पूरा का पूरा व्यू। जैसे आप पीछे की तरफ चलोगे, अब फेस लिफ्ट के अंदर और भी खूब सारी चीज़ों का चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो लाइट्स हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दी गई है, और एक सिंगल आपकी पूरी की पूरी टेल लैम्प, जैसे कहते हैं ना एक सिंगल एलईडी टेल लैम्प, वैसे के वैसे आपको ये फील मिल रहा होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वाला लुक जो है ये आपको कैसा लगा। और सो सॉरी पीछे से जो शोर शराबा आ रहा है, हम चाहकर भी उसको कम नहीं कर सकते, बट हमको मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के पास में टाइम पर ये कॉन्टेंट पहुँचे, तो प्लीज़ अगेन इसको थोड़ा सा बियर करिएगा। सेंटर में हमारा किया का लोगो, जैसे आगे की तरफ है वैसे के वैसे आपको पीछे की तरफ यहाँ लोगो मिलता है, उसी के साथ में पीछे की तरफ एक क्यूट सा आपको रेयर वाइपर मिल रहा होता है और रेयर डिफॉगर मिल रहा होता है, अगेन पार्ट ऑफ लग्जरी। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपका हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी पे बेस्ड आपका एक रेयर स्पॉयलर मिलता है। सेंटर में आपका एक शार्क फिन एंटीना मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी हो जाती है और कूल। और उसी के साथ में पीछे वाला जो लुक देखोगे, ये हल्का सा आपको यूनिक सा लुक दिखेगा, जैसे कर्व्स जिसे कहते हैं ना बिल्कुल फ्लैट कर्व्स, वैसे ना होकर हल्की सी आपकी गाड़ी कर्वी है। और लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आपके पास सेल्टॉस की बैजिंग हो गई, और राइट की साइड आपके पास में जीटी लाइन की बैजिंग हो गई। अब ये वाला जो वेरियंट है इससे एक टॉप वेरियंट और आता है, पर यहाँ वाला जो स्टॉक था इनके पास ये वाला वेरियंट था। इससे जो ऊपर वाला वेरियंट आता है उसमें हेड्सअप यूनिट वन एंड सेम टाइम पे एक बहुत एक्सक्लूसिव मैट ग्रे कलर आपको अवेलेबल होता है। आई विश किया ने चाहा, सांगी किया ने चाहा, या भगवान ने चाहा, तो किसी दिन आपको उस वेरिएंट का भी एक्सपीरियंस कराएंगे। अब जो लाइट है, अगर मेरी बात करें तो मुझे बहुत अच्छी लगी, दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइट है। आपकी एलईडी पूरी की पूरी टेल लैंप मिल रही होती है, कोई भी हैलोजन का यूज़ करा गया नहीं है। और कैसी इसकी रोशनी दिखती है, थोड़ा सा अंधेरा होगा उसके बाद में, वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ चलते हो वैसे ही गाड़ी के अंदर आपको पीछे की तरफ दो पार्किंग सेंसर यहाँ, दो पार्किंग सेंसर वहाँ मिल जाते हैं। जैसे आगे की तरफ है वैसे ही पीछे की तरफ आपको एक स्किड प्लेट जो है वो यहाँ पे मिल रही होती है, मतलब स्किड प्लेट वाला जो लुक कुछ भी कह दो, यहाँ पे आपको और ज़्यादा एलिमेंट मिल रहे होते हैं, थोड़े से अलग से एलिमेंट है। और इस गाड़ी के अंदर जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर पेट्रोल में यहाँ पर डुअल एग्जॉस्ट टिप वाला वेरिएंट मिल रहा होता है, अगर मेरे पास में कहीं उसकी पिक्चर हुई तो मैं साइड में यहाँ पर डाल दूंगा। दिखने में ये भी खूबसूरत है, पर पेट्रोल का डुअल एग्जॉस्ट टिप वाला जो सेटअप है भाई साहब, मुझे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। उसी के साथ में यहाँ पर आपके बॉडी कलर के जैसे एक दो छोटे से यहाँ पे और पैनल जो डिज़ाइन है बम्पर में वो आपको मिलेगी, जिसमें यहाँ पियानो ब्लैक एलिमेंट, साथ के अंदर एक रिफ्लेक्टर, और उसी के साथ में यहाँ पर आपकी रियर जो रिवर्स लाइट है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही होती है। और कमेंट बताना भाई, कमेंट करो मुझे कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अब ये तो रही यहाँ की बातें, जस्ट नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपका रियर जो कैमरा मॉड्यूल है वो यहाँ पर आपको मिल रहा होता है, और उसके दोनों तरफ यहाँ पर आपके पास में टेल लैम्प की दो लाइट्स मिल जाती है। अब गाइस हम सीधे के सीधे इसकी ट्रंक देखते हैं, तो 433 लीटर की आपको पीछे की तरफ बूट स्पेस मिल रहा होता है, जो कि मोर देन एम्पल है फॉर एनी फैमिली जो कि 5 लोग कहीं पर भी ट्रैवल करें। अब इस तरफ आपको दिखाते हैं, सबसे पहले गाड़ी के अंदर यहाँ जो सब वूफर है उसका प्लेसमेंट है, हार्ड प्लास्टिक ब्लैकिश कलर का आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। इन ग्रेस और आउट ग्रेस वाला जैसे अपन आगे की तरफ बात कर रहे थे, वैसे ही अगर आप कोई भी अपना लगेज अंदर की तरफ रखेंगे तो बिल्कुल इसी फ्लैट प्लेटफॉर्म के बराबर है, तो आपको कोई भी लगेज रखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब बिल्कुल फ्लैट है।
इधर की तरफ भी आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपके पास में ट्रंक में एक लैम्प मिल जाता है, 60-40 स्प्लिट होने वाली सीट मिल जाती है। तो अगर आपको और भी ज़्यादा सामान रखना हो तो आप सीट को वहाँ से फोल्ड कर सकते हो और आगे की तरफ करके आराम से बैठ सकते हो। और साथ के अंदर यहाँ से खोलते मिलता है आपको गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील। अब ये देख लेते हैं गाइस गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील का क्या साइज़ मिलता है। तो गाड़ी में 215/60R17 की एक स्टील रिम मिल रही होती है। सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप ये वाला टायर काम में ले सकते हो। हमारा ये रिकमेंडेशन होता है कि कभी भी जो आपका स्पेयर टायर है उसको हरदम लगा के ना घूमें, जब तक आपको कहीं से कहीं तक जाना है वहाँ तक यूज़ करें, उसके बाद हटा दें, क्योंकि चारों टायरों की लाइफ और इस टायर की लाइफ अलग रहती है। एनीवेज किसी और दिन उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में रिकवरी टूल जो भी है, जैक पाने वगैरह, वो सारे के सारे आपके यहाँ हैं। बहुत सारा यहाँ पर स्पेस है, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा सामान जो कि आप रोज़ काम में नहीं लेते, फॉर एग्जांपल कार केयर, कपड़ा वगैरह कुछ भी अगर आप रहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। आपके पास भर भर के जगह, अगर आप बेसिक चीज़ें रखना चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ ही के अंदर छोटी मोटी यहाँ पर रिफ्लेक्टर और छोटी मोटी और चीज़ें रखी हुई है रैंडम, जो कि हरदम हर गाड़ी के साथ आती है। यहाँ पर आपके पास में हुक मिलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो हुक मिलते हैं इसके अंदर जब भी आप कोई छोटी चीज़ रखते हो तो उसके ऊपर अगर आप नेट लगा देते हो तो सामान आपका इधर उधर नहीं भाग रहा होता, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब गाइस साथ ही के अंदर आपको बहुत ही बड़ी साइज़ की यहाँ पार्सल ट्रे मिलती है, अंदर से भी दिखाएंगे मगर यहाँ से भी जब आप देखते हो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी साइज़ की आपको पार्सल ट्रे मिलती है। दो यहाँ पे स्टड्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपको, मतलब दोनों तरफ एक एक लगे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत हैंडी हो जाता है इसको लिफ्ट करना। और यहाँ पर हमारे पास में एक पॉइंट दिया गया जिससे कि आप आराम से इसको पकड़ के अंदर बाहर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वीडियो थोड़े डिटेल्ड में होते हैं तो आपको एक और टॉप सीक्रेट चीज़ बताते हैं। यहाँ पर आपके पास में हल्का सा पैटर्न है, इन केस अगर ये डिक्की लॉक हो जाती है और आप गाड़ी के अंदर हो तो आप चाबी या कोई भी चीज़ होती है ना, स्पैनर वगैरह, उससे लेके जब इधर से डाल के इधर घुमाओगे तो अंदर से भी आप अपने डिक्की को खोल सकते हो। तो जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि ट्रंक में किसी को बंद करके कोई ले जा रहा है, तो यू आर लाइक प्रो गाइस चिल, यहाँ से खोलो और इसको बाहर वापस, मतलब दरवाज़ा खोल सकते हो आप। एनीवेज पीछे आपको बहुत अच्छी इसके अंदर 433 लीटर की जो डिक्की है उसमें स्पेस मिल जाता है। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे यहाँ से पीछे की तरफ और पीछे की तरफ देखते हैं और क्या क्या स्पेशल है, मतलब सेकंड रो की तरफ। तो सबसे पहले जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं वैसे ही आपको स्टेप्स में खुलने वाला एक अच्छा डोर मिलता है जिसकी अच्छी खासी बिल्ट क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारा पियानो ब्लैक एलिमेंट यूज़ करा गया है, उसी के साथ में यहाँ पर हल्का सा सिल्वर एक्सेंट भी यूज़ करा गया है, मतलब ये तो एक्स्ट्रा ही है इसके अलावा। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट, अच्छी प्रीमियम आपको क्वालिटी मिलती है। गाड़ी के अंदर आपको कुल मिला के 8 स्पीकर मिलते हैं टॉप वेरिएंट में बॉज के। सो जो बॉज है ये एक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रेनाउंड प्रीमियम ब्रांड है। और गाइस ग्रिल जो है इसकी शेप भी आपको नॉर्मल सी नहीं दिखेगी, ये अलग सा बाहर की तरफ गाड़ी में, चाहे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट काम में ना लिए गए हो, सिंप्लिसिटी में बेस्ड हो, अंदर की तरफ वाली ग्रिल है उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे 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 बनाया गया है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्रीमियम और ड्यूरेबल क्वालिटी की आपको ग्रिल मिल रही होती है। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में हल्का सा बेज कलर का एलिमेंट ऐड ऑन करा गया है और ये सॉफ्ट मटेरियल है, आराम से आप हाथ रख के जब बैठते हैं तो यू फील वेरी कंफर्टेबल। पावर विंडो के आपको यहाँ पे स्विच मिल जाते हैं और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा कभी स्पेस है, थोड़ा कभी स्पेस यहाँ पर भी है, आराम से 2 लीटर की इसके अंदर बॉटल आ सकती है और छोटा मोटा इधर उधर सामान आ सकता है। कंपनी फिटेड ही आपको यहाँ पे कफ प्लेट मिल रही होती है जिसपे सेल्टॉस की आपको बैजिंग मिल रही होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि देखो गाइस कोई भी ब्रांड हो, स्कफ प्लेट जो है ना ये गाड़ी में आपको इंस्टॉल करनी ही चाहिए। अब हम यहाँ से अंदर की तरफ चलते और अंदर बैठते। तो सबसे पहले हमने कर लिया चारों तरफ अंधेरा, अच्छा है हमारे पास लाइट है, इसकी रोशनी थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको कुछ मिलते हैं इस तरीके से रिट्रैक्टेबल कर्टेंस और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मतलब बिग फैन गाइज किया, बिग फैन ऑफ दीज कर्टेंस। आपको ना बिल्कुल ऐसे प्रीमियम इस फील आ रही होती है जब आप गाड़ी का इंटीरियर देखते हो, तो गाड़ी का आपको इंटीरियर ऑल ब्लैक मिल रहा होता है ये जो GT लाइन है इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। ऑल दो कई लोगों को ब्लैक इंटीरियर पसंद नहीं है पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गंदे भी कम होते हैं। तो ऊपर की तरफ हमारे यहाँ ग्रैब हैंडल है, ग्रैब हैंडल के कोने पर यहाँ पर हुक टांगने की यहाँ पर पोजीशन आ गई, मतलब एक हुक आ गया छोटा सा। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे व्हाइट लाइट है, आराम से रीडिंग लाइट है और देखो
बाहर की भी रोशनी आ रही है, हम इसको एक काम करते हैं, हम कर्टन लगाते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि अंदर रोशनी कितनी है। सो हमने लाइट ऑफ करी, लाइट ऑफ करने के बाद में भी जहाँ पर पढ़ रहे होते हो ना, एग्जैक्ट यहाँ वाली जो रोशनी है आपके हाथ पे आ रही है, देखो आप आराम से मेरा हाथ देख सकते हो। हम फिर से लाइट ऑन कर लेते हैं। सो इसके अंदर आपको ये वाली जो लाइट है इसका थ्रो भी बहुत अच्छा है और जगह भी बहुत अच्छी है। साथ ही के अंदर पीछे वाली जो सीट है इसके अंदर आपको यहाँ पर हल्की सी मैगजीन्स वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल रहा होता है। हल्का सा यहाँ प्लास्टिक फिनिश है मगर इसमें हल्का सा ना अंदर की तरफ डिजाइन है, तो जो लंबे लोग बैठेंगे वो बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ सकेंगे। यहां से हम हल्का सा दरवाजा खोल लेते हैं ताकि हवा आती रहे। भाई साहब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है राजस्थान में। अब यहां पर आपको बिल्कुल एक फ्लैट मिलता है प्रोफाइल, आराम से पैर रखने के हिसाब से छोटा मोटा हल्का फुल्का यहां पे एक हंप बना हुआ है, ज्यादा हंप नहीं है, बीच में भी अगर कोई बैठेगा तो बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठेगा। अब जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही आपको जीटी लाइन में जो आने वाले सीट कवर्स हैं कंपनी फिटेड वो दिख रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको ये सीट कवर मिल रहे होते हैं। ये जो परफोरेटेड आपके जो लाइंस है इसकी वजह से मतलब हाँ मज़ा आ गया, बहुत अच्छी सीट कवर आपको मिल रही होती है। उसी के साथ के अंदर आपके पास में यहाँ पर कुछ इस तरीके के सीट बेल्ट मिल रहे होते हैं। सो वहाँ पर वहाँ और यहाँ पर यहाँ कुछ इस तरीके के आपको सीट बेल्ट मिल जाते हैं। तो टू पॉइंटर सीट बेल्ट आपको सेंटर जो पैसेंजर है उनके लिए भी मिल रहे होते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, आपको प्रॉपरली एडजस्ट करने वाले हेडरेस्ट जो हैं ये पीछे के तीनों लोगों के लिए मिल रहे होते हैं। सो भाई लोगों जिनको मालूम है उनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम हम बता देते हैं, ये जो हेडरेस्ट है ये आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं। नेक जो है इन एनी कोलिजन आपकी प्रोटेक्ट रहती है हेडरेस्ट की वजह से, और आप ऊपर और नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट करो तो और अच्छा क्या है। साथ ही के अंदर सेंटर में आपके पास में यहाँ जो आम जो रेस्ट है मतलब हैंड रेस्ट कह सकते हो वो भी दिया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, हाइट भी बहुत अच्छी है, और इसमें आपके पास में आराम से बॉटल रखने के लिए स्पेस मतलब सॉरी ग्लास रखने के लिए आपके पास में स्पेस मिलता है। छोटे मोटे फ़ोन है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। अब पीछे की तरफ जो हम बात कर रहे थे पार्सल ट्रे की, वो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास में अच्छी खासी पार्सल ट्रे है, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छी, पर आप इसमें बहुत सारा सामान रख नहीं सकते, नहीं तो होता क्या है सामने वाले ड्राइवर की ना विजिबिलिटी पूरी की पूरी डेड हो जाती है। सेम टाइम पर जो हम बात कर रहे थे, जब आप यहाँ बैठे होते हो तो ये जो ग्लास है ये आपको और ज़्यादा अच्छी रोशनी दे रहा होता है, ताकि आपको ना क्लॉस्ट्रोफोबी फील ना हो, अंदर से भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी साइज़ का एक ग्लास दिख रहा होता है। ये छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना ये इंजीनियर्स के बनाए हुए, ये सही में बहुत अप्रिशिएबल होते हैं डिज़ाइन एलिमेंट में, यही वो चीज़ें जिसकी वजह से आपकी गाड़ी और ज़्यादा वाव फैक्टर महसूस कराती है। सेम टाइम पे सेंटर में हमारे पास में एसी वेंट मिल जाती है और यहाँ पर हमारा स्मार्ट प्योरीफायर मिल जाता है। हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं और एक बार गाड़ी ऑन कर लेते हैं और फिर वापस आपको ये चीज़ दिखाते हैं। तो ये हम शुरू करते हैं, 3, 2, 1, गो। सो दोस्तों पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एयर प्योरीफायर मिल रहा होता है, हल्की सी डिस्प्ले मतलब हल्की क्या अच्छी खासी आपको पीछे की तरफ डिस्प्ले मिल रही होती है। साथ ही के अंदर यहाँ से जो प्योरीफायर है इसके फ़ैन की स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास में जो डिजिट लिखी हुई है प्योरीफायर की कि क्या प्योरीफाइंग अभी क्या चल रहा है वो सारी की सारी चीज़ें दिख रही होती है। यहाँ से ये जो डिस्प्ले इसकी ब्राइटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ ही के अंदर यहाँ से अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। ये जो प्योरीफायर है इसका एक और आपको बहुत खूबसूरत पार्ट बताऊंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वापस लाइट ऑन कर लेते हैं। उसके नीचे की तरफ जो एसी वेंट है उनका थ्रो भी अच्छा और प्रॉपरली इनकी लोकेशन भी अच्छी है, जिसके नीचे की तरफ हम हल्का सा जूम कर देते हैं, हमारे पास तो एक्शन कैमरा है। तो यहाँ पर हमारे पास में डुअल सी टाइप चार्जर मिल जाते हैं और उसके साथ में ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पर आपके पास में स्पेस है, तो आप फ़ोन बाकी कोई भी चीज़ हो आप आराम से इसके अंदर रख सकते हो। हमारा तो देखो फ़ोन बहुत बड़ा है मगर फिर भी ये फ़ोन टेढ़ा करने पर ये भी आ गया, तो आप आराम से अपना फ़ोन और बाकी चीज़ें रख सकते हो। ये रही यहाँ की बातें, अब हम आपको दिखाते हैं कि हेडरेस्ट। अब देखो यहाँ बैठे हुए ना आगे वाली सीट हमने अभी थोड़ी देर पहले एडजस्ट करी थी, अब पीछे की तरफ जब आप बैठे हो तो आपके पास में एक तो लेग रूम अच्छा है, अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो डिसेंट है, मतलब बहुत भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, डिसेंट आपके पास में अंडर थाई स्पेस मिल जाता है। अब मेरी जो साइज़ है वो है 165 सेंटीमीटर और मैं दिखाता हूँ मेरे को हेडरूम कितना मिल रहा है। सो दोस्तों गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और आप मेरी हाइट को देखकर अंदाज़ा लग सकते हो। पीछे की तरफ जब मैं आराम से बैठा हुआ हूँ कम्फर्टेबली तो ऊपर की तरफ मेरे पास में करीब करीब इतनी सी जगह, तो बहुत ज़्यादा लंबे अगर लोग होंगे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ जैसा मैं बैठा हूँ मेरे लिए जोन बिल्कुल कम्फर्टेबल है। आप इधर से भी देख सकते हो आराम से कंफर्टेबल जोन के अंदर 165 सेंटीमीटर मतलब 5.5 फुट वाले जो लोग हैं वो कंफर्टेबल है, 6 फुट वाले बैठ सकते हैं मगर
उससे बड़े खली वाले जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है। और कंफर्टेबल सीट्स बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जैसी फील होती है, वैसा आपको यहाँ पर महसूस होता है। अब गाइज ये तो रही सेकेंड रो की बातें, अब हम चलते हैं सीधे के सीधे जो को पैसेंजर साइड है वहाँ पे। मगर उससे पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप लोगों को और डिटेल में समझा देते हैं। सबसे पहले आपको पावर विंडो मिलती है ऑटो, सो चारों पावर विंडो आपको ऑटो मिल रही होती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। वन सेम टाइम पे जो सनरूफ इसमें लगी हुई है वो आपके जस्ट हेड के ऊपर की तरफ तक आती है, जो कि एक बहुत बड़ी साइज़ हो गई। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी सनरूफ आ रही होती है। और उसी के साथ में ये जो सीट्स हैं ये भी आप अपने हिसाब से हल्का सा रिक्लाइनर को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी ये जो सीट मैंने एडजस्ट करी ये बिल्कुल स्ट्रेट करी, हल्की सी मतलब हल्की स्ट्रेट करी, तो इसके कंपेयर में यहाँ पर हमारे पास में जो गैप आपको दिख रहा है इतना गैप है। अगर आप अपनी सीट को और पीछे करना चाहो तो और पीछे कर सकते हो, तो आपके टू वे एडजस्टमेंट आते हैं। साथ ही के अंदर आपको यहाँ पर आइसोफिक्स सीट माउंट मिल रहे होते हैं, जो कि छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये तो रही यहाँ की बातें, अब हम चलते हैं सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड और देखते हैं वहाँ क्या स्पेशल है। अब गाइस हम सीधे चलते को पैसेंजर साइड। सबसे पहले बहुत ही बड़ी साइज़ का आपको दरवाज़ा जो कि स्टेप्स में खुल रहा होता है, जो भी स्टेप आप चाहेंगे सिर्फ आपका दरवाज़ा वहीं पर ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जब आप देखेंगे हार्ड प्लास्टिक पियानो ब्लैक एलिमेंट, उसी के साथ में आपका डोर हैंडल, साथ ही के अंदर जैसा यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट है वैसा ही आपके पास में यहाँ ट्विटर के लिए भी डिज़ाइन एलिमेंट है, मगर हल्का सा पियानो ब्लैक एलिमेंट हो गया। उसी के साथ में बेज के अंदर आपके पास में यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल हो गया, जिसमें सिल्वर कलर की आपको स्टिचिंग मिल रही होती है। जो सीट्स हैं उनमें भी आपको सिल्वर कलर की स्टिचिंग मिल रही होती है। और कुछ इस तरीके का दिखने वाला टिंटेड जो आपका ग्लास है, मतलब यूवी प्रोटेक्शन जो ग्लास है कंपनी जिसे बोलती है, वो ग्लासेज है, मतलब हल्के से डार्क है। पर नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपके पास में बॉटल रखने के लिए डिसेंट स्पेस है, मतलब पीछे के कंपेयर में ज़्यादा स्पेस है बॉटल और बाकी चीज़ें रखने के लिए। पावर विंडो का स्विचेस हो गए, साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारे पास कभी स्पेस हो गया। बहुत ही बड़ी साइज़ की यहाँ पर आपके पास में स्कफ प्लेट हो गई और बकेट फिनिश बहुत ही अच्छी आपके पास में यहाँ सीट्स मिलती है। पीछे की तरफ जैसा था वैसे ही परफोरेटेड आपके पास में यहाँ पैटर्न है, अगेन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रहा है। हल्का सा बेज कलर का यहाँ पर भी यूज़ करा गया है और जीटी लाइन की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल रही होती है। हेडरेस्ट आप अपने हिसाब से ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो और कोने पर यहाँ पर लिखा हुआ एयरबैग, तो गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे होते हैं। अब सीधे सीधे के सीधे हम गाड़ी बंद कर लेते हैं। ओ भाई साहब, पीछे के कंपेयर में देखो अभी भी कितना सारा मेरे पास आगे की तरफ स्पेस बचा हुआ है। सो गाड़ी के अंदर आपको सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अच्छा दिखने वाला डैशबोर्ड मिल रहा होता है। यहाँ से आपका बोनट जो है वो आराम से आपको दिख रहा होता है उधर से भी। अब ये तो सीट ही आपके ऊपर और नीचे एडजस्टेबल है, मगर अगर आप देखा जाए तो को पैसेंजर हो तो भी आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी आपको दिख रही होती है। यहाँ पर हमारे पास एयरबैग की ब्रांडिंग हो गई, साथ ही के अंदर इस प्रकार की वेंट जिससे कि जो ग्लास है आपका वो डिफॉग होता रहे। पावर विंडो के स्विचेस हो गए और नीचे की तरफ हमारा ग्लव बॉक्स हो गया, डिसेंट अच्छी साइज का हमारा ग्लव बॉक्स है। मगर ग्लव बॉक्स के अंदर आपके पास में कूल्ड और लाइट जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती, तो कूल्ड इज ओके, होना चाहिए तो होता तो बहुत अच्छी बात होती, मगर लाइट हो सकती थी कि कई बार सामान वगैरह अगर रात को रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। पर हाँ, अच्छी खासी साइज का आपको यहाँ ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है, इसको बंद कर देते हैं। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास में सॉफ्ट टच मटेरियल है प्लास्टिक की फिनिश, मगर ये हल्का सा आपका सॉफ्ट टच मटेरियल। साथ ही के अंदर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्टिचिंग का यूज, जिसकी वजह से और ज़्यादा आपको प्रीमियम फील करा रहा होता है। यहाँ पर हमारे एसी वेंट के कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन है, जिसके अंदर हमारा सिल्वर एक्सेंट जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। बेसिकली दिखने के अंदर और थ्रो के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो अच्छा खासा आपको थ्रो मिल रहा होता है। मैं इस सीट को हल्का सा रिक्लाइन कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से सारी चीज़ें दिखा सकूँ। यहाँ पर हमारा सीट रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है और उसी के साथ के अंदर ब्लैक कलर के हमारे सीट बेल्ट मिल रहे होते हैं ऊपर और नीचे। यहाँ से हम फ्रंट वाले जो सीट है उनके सीट बेल्ट्स का अरेंजमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन हमारे पास एयरबैग की ब्रांडिंग और उसी के साथ में ब्लैक कलर की हमारी रूफ। सो वाइट देख देख करना, काला थोड़ा सा अलग फील तो देखो गाइस दे रहा होता है। उसी के साथ के अंदर आपको मिलती है 10.25 की डुअल एचडी स्क्रीन, थोड़ी देर में इनके बारे में बात करेंगे जब इधर की तरफ आ जाएंगे। ऊपर की तरफ हमारा जो सनशेड है
कुछ इस प्रकार से हम खोलते हैं, इसमें मिलता है आपको वैनिटी मिरर। सो वैनिटी मिरर मिलता है मगर वैनिटी लाइट जो है वो मिसिंग है। सो आई विश किया, ये छोटी छोटी बातें अगर आप सुन लो तो इसका दे, मैं जानता हूँ कि आप लोग ना बिना लॉन्चिंग के ही थोड़े बहुत चेंजेस जब आपको मन करता है ना आप कर देते हो, मतलब नए वेरिएंट में और कुछ अपग्रेड। तो यहाँ अगर वैनिटी मिरर होता तो वो थोड़ा सा और अच्छी बात हो सकती थी। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये ग्लास आपका आगे पीछे होता है। तो भाइयों इतनी सी जगह बच गई सिर्फ वाव को ओवर वाव बनाने में। तो अगर आई विश गाइज अगर ये यहाँ से बढ़कर यहाँ तक आता, ऑल दो आप लोग यूवी ग्लासेस यूज़ कर रहे हो जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, हल्का सा अगर ये बढ़ जाता है ना तो मज़ा आ जाता। पर एनीवेज कोई बात नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ये छोटी मोटी दो तीन चीज़ें ही हैं। बाकी गाड़ी गाइज आप लोगों ने परफेक्ट बनाई है। तो वन, ऊपर की तरफ यहाँ वैनिटी मिरर हो सकता था और साथ के अंदर ही हल्का सा एक्सटेंडेड हो सकता था। ग्लास हर कंपनी को देने ही चाहिए गाड़ी के अंदर, यूवी प्रोटेक्टेड। और अब ये तो रही यहाँ की सारी बातें, इस तरफ जब आप देख सो दोस्तों अब हम सीधे के सीधे चलते हैं ड्राइवर साइड। तो जैसे आप ड्राइवर साइड डोर हैंडल पे देखते हैं वैसे आपको दिखता है सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंसर, और उसी के साथ में जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ही पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ ट्विटर। सो गाड़ी में अगेन कुल मिला के 8 स्पीकर्स हैं, और यहाँ पर आपके पास में हल्का सा बेज कलर है, हल्का सा जैसे बेसिक कहें तो क्रीम कलर जिसे कहते हैं वैसे वाला है, सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पर ये आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये आपके पास हार्ड टच मटेरियल है। साथ ही के अंदर आपके पास में पावर विंडो के स्विचेस आ गए, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, हल्का सा फ़ायदा रहेगा। उसी के साथ के अंदर यहाँ लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म हो गया, ओवर VM एडजस्ट करने हो तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से आप उनको ऑटो फोल्ड कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में बॉस की ब्रांडिंग, यहाँ पर आप एक अच्छी डिसेंट साइज़ की बॉटल रख सकते हो और छोटे बहुत और चीज़ें रख सकते हो। साथ ही के अंदर जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे अगेन आपके पास में सेल्टॉस के साथ लिखी हुई के साथ में यहाँ पर स्कफ प्लेट लगी हुई है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, मतलब ये जो चारों वाला पार्ट है गुड नाइस। उसके बाद में 8-way एडजस्टेबल आपके पास में यहाँ पर सीट मिल जाती है, सो ऊपर और नीचे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो अंडर थाई सपोर्ट है उसको भी आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट से इसलिए ये परफोरेटेड आपका पैटर्न आ रहा होता है। GT लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, और उसी के साथ में एयरबैग की यहाँ पर ब्रांडिंग। अब जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं भाई साहब माहौल चेंज। सबसे पहले डुअल स्क्रीन्स आपको मिलती है 10.25 की, उसके पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपके पास स्टेयरिंग व्हील, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का स्टेयरिंग व्हील, बीचों बीच किया की ब्रांडिंग और दोनों तरफ लिखे हुए हॉर्न मतलब साइन बने हुए, नीचे की तरफ एयरबैग की ब्रांडिंग और GT लाइन आप भूल ना जाए इसीलिए कि आपके पास GT लाइन है। दिखने में बहुत खूबसूरत है, हल्की सी वाइट स्टिचिंग है, ग्रिप भी बहुत अच्छी और गुड फील वाला आपको स्टेयरिंग मिल रहा होता है। अब यहाँ ये जो हमारे पास में गाड़ी है ये GT लाइन में डीजल है, अभी हम बता देंगे थोड़ी देर में। तो GT लाइन डीजल है, यहाँ से आप स्टेयरिंग ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं, सबसे पहले टिल्ट है क्या, टेलीस्कोपिक है आई गेस होना तो चाहिए यार, देखो टिल्ट तो है पर यस यस यस। अब देखो भाई साहब ये ना बहुत बड़ी चूक हो जाती है जब भी आप स्टेयरिंग वगैरह एडजस्ट कर रहे होते हो कि एक हाथ से जब आप इसे दबाते हो एक बार, ये ना एक हाथ से मुझसे ढंग से नहीं हो रहा, पर यस टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों के दोनों आपको स्टेयरिंग मिलते हैं। ये मैं टिल्ट ही बोल देता पर यस टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल रहा होता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, राइट हैंड साइड जब आप देखते हो तो आपके पास में ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं, देख पा रहे हो आप, और उसी के साथ में लेफ्ट की तरफ आपके पास में वाइपर मिल जाते हैं। जो टॉप मॉडल है उसके अंदर रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिल रहे होते हैं, बशर्ते ये हमारे पास टॉप सेंस जो टॉप वेरिएंट है वो वाला नहीं है, अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं टॉप वाले वेरिएंट में इसके अलावा और क्या क्या मिलेगा। साथ ही दोस्तों राइट हैंड साइड आपके सारे के सारे क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, मतलब अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, और लेफ्ट की तरफ आपके पास मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हल्की सी यहाँ पर भी आपको सिल्वर एक्सेंट में फिनिशिंग दिखेगी, और उसी के साथ में पियानो ब्लैक एलिमेंट, बहुत ही खूबसूरत अच्छे आपके पास में जो बटन है उनकी क्वालिटी मिल जाती है। ये तो सारी बातें करेंगे, पहले एक काम करते हैं यहाँ से गाड़ी ऑन कर लेते हैं। सो जैसे आप गाड़ी ऑन करते हैं वैसे कुछ चीज़ों के बारे में और हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में हैंडरेस्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपके पास में यह हैंडरेस्ट है, जैसे कहते हैं ना डिसेंट अच्छा वैसे वाला रहा। म्यूजिक बंद करो भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट काम, अच्छा खासा आपके पास डिसेंट क्वालिटी का यह हैंडरेस्ट मिलता है। हैंडरेस्ट जो है उसके अंदर की तरफ भी आपके पास में यह स्पेस मिलता है जिसमें आप चीज़ें रख सकते हो, और बाकी तो और कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर। उसी के साथ के अंदर
यहाँ पर ये आपका ऊपर वाला जो है ये प्योरीफायर है। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर ये प्योरीफायर आप ऑन करते हो तो जैसे अभी हमने इसको ऑन कर लिया तो जब आप इसे ऑन करते हो तो सबसे पहले एक तो आप जब यहाँ हाथ रखोगे ना तो ये जो जगह है ना ये वाली, यहाँ से ना आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होती रहती है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपके पास में कप होल्डर और ऐसा कप होल्डर जो दिखने में स्लाइडर है, ओहो भाई साहब इसकी जो फिनिशिंग है ना बटर स्मूथ। सो बटर स्मूथ आपके पास में यहाँ पर ये स्लाइडर मिल जाता है, उसी के साथ में आप कप वगैरह रख सकते हो। अगर आपको कप नहीं रखना हो तो ये वाला पार्ट है, इसको आप कहीं और रख सकते हो, आपके पास और खूब सारा स्पेस बन जाता है जिसमें अगर आप और कुछ भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो। हालांकि ये वाला अच्छा पैटर्न है, इसके अंदर आप कोई कार्ड वगैरह भी रखना चाहो खड़े कुछ देर के लिए तो रख सकते हो। यहाँ पर आपके पास में और थोड़ा स्पेस है जिसका यूटिलाइजेशन आप अपने फोन वगैरह रखने के लिए कर सकते हो। आपके पास में इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ मिल जाता है, साथ ही ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है। जिनको मालूम है उनको मालूम है, नहीं मालूम हम बता देते हैं। ऑटो होल्ड इसलिए होता है कि अगर आप ऑटोमेटिक कार चला रहे हो, रेड लाइट पर रुकते हो, अगर आप डी में हो और उसी के अंदर अगर आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी डी में भी रुक जाएगी। उसके साथ में फ्रंट वाली आपको दोनों वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, राजस्थान के वेदर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही के अंदर आपके पास में जो पार्किंग चाइम है, अगर आप उसको बंद करना हो तो आप इस वाले बटन से कर सकते हो, अच्छे फिजिकल बटन है। इस तरफ आपके पास में जो कैमरा है, अगर आपको उसका व्यू देखना हो तो यहाँ से आप कैमरा का व्यू देख सकते हो। गियर जो शिफ्टर है आपका बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी, जैसे कहते हैं ना मस्कुलर, वैसे वाला आपका गियर शिफ्टर आपको यहाँ से महसूस होता है। कोने पे यहाँ बटन है जिससे कि आप गियर शिफ्टर एडजस्ट कर सकते हो। सिक्स स्पीड आपके पास में इसके अंदर IMT और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और DCT में आपको 7 स्पीड मिल रहा होता है। PRN और D की यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है, मतलब पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव। साथ ही के अंदर शिफ्ट लॉक रिलीज का यहाँ बटन लगा हुआ देख पा रहे हो आप, आई होप आपको अच्छी तरह दिख पा रहे हो। बेसिकली शिफ्ट लॉक रिलीज इसलिए बना हुआ होता है कि जब भी आपकी गाड़ी इन केस अगर कहीं पर अटक जाती है, आपकी गाड़ी बंद हो जाती है और अगर आपको आपकी गाड़ी को न्यूट्रल करना है तो आप इस बटन को प्रेस करोगे और उसके बाद में इस शिफ्टर को लेके एक बार मैं प्रेस कर देता हूँ तो आप इस बटन को प्रेस करोगे। अच्छा ये अभी ऑन है, यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको फंडा। तो अगर आपकी गाड़ी ऑफ है, अगर आपको उसको पार्किंग में कहीं सेट करना है, आप इस बटन को प्रेस करोगे, उसके बाद में आपका जो शिफ्टर है, और भाई साहब ये तो मतलब आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली दिखाने के अंदर ही जब काम ना करे ना तो बेइज्जती होने लग जाती। मैंने शिफ्ट लॉक रिलीज दबाया और करना तो चाहिए, देखो एक। सो भाइयों हमारे साथ में किया के ऑफिशियल है, इन्होंने हमारी बेइज्जती कराने से हमको बचा लिया, मतलब आधी बेइज्जती हो गई थी पर थैंक्स अब हमने बचा लिया। मुझे बताओ ये जो शिफ्ट लॉक रिलीज था, बेसिकली इसका फंक्शन ये था कि अगर आप इसको एक हाथ से तो प्रेस करोगे और फिर दूसरे हाथ से आप इसको आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हो। ब्रेक व्रेक हमने नहीं दबा रखा कुछ भी, तो आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके कहीं पर भी ले जा सकते हो। सर अपना नाम बता दो। गौरव पारिक। सो गौरव पारिक जी किया सांगी के अंदर आप सेल्स। नाइस। सो अभी आप हमारी और चीजों में हेल्प करोगे। सो सबसे पहले ये जो शिफ्ट रिलीजर है इसको हमने वापस आगे की तरफ कर लिया, इसी के साथ अब यहां से हम गाड़ी ऑन कर लेते हैं। सो गाड़ी ऑन करते 10.25 की HD आपके पास में स्क्रीन है। आगे की तरफ यहाँ पर आपके पास में स्पीकर का प्लेसमेंट है जो सेंटर स्पीकर है और बहुत ही अच्छी आपके पास यूनिक यहाँ ग्रिल है। छोटा सा यहाँ पर पॉइंट है जिसमें आइडल जो भी आप गणेश जी वगैरह कुछ लगाएं तो मुझे तो ऐसा लगता है प्रॉपर आपके पास में यहाँ प्लेसमेंट मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपके पास में ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है, तो ऑटो IRVM बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने के अंदर भी। पीछे की तरफ अगर मैं देखूं तो विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। SOS अगर आपको कभी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी जो सर्विस होती है कि आप क्या बोलते हैं उसको, रोड असिस्टेंस को अगर आपको बुलाना हो तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे। साथ ही के अंदर ये वाला जो है ये किया कनेक्ट जो ब्लू लिंक जैसे Hyundai में आता है वैसे किया लिंक आपका फंक्शन है जिसको भी आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। ये तो रहे यहाँ की बातें। ऊपर की तरफ यहाँ आपके पास में सनशेड होल्डर है, अच्छी खासी डिसेंट साइज का है जिसमें आप अच्छा खासा दबंग जैसा चश्मा रख सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में दो व्हाइट लाइट मिल जाती है, यहाँ से इसको ऑफ यहाँ से ऑन। अब आपके पास में बहुत बड़ी साइज का गाड़ी के अंदर सनरूफ मिल रहा होता है, मतलब देखा जाए तो भैया कुछ ज्यादा ही बड़ी साइज का है इस सेगमेंट में, सबसे ज्यादा सनरूफ है, सबसे लार्ज। वाओ, तो बहुत बड़ा आपको सनरूफ मिल रहा होता है। अब यहाँ से हम इसको टैप करते हैं और पीछे की तरफ इसको एक बार करते हैं कि देखते हैं कि ये कितना सनरूफ पीछे की तरफ जा रहा होता है। गाइस प्लीज एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अपने बच्चों को सुखाने के लिए सनरूफ का उपयोग ना करें। सनरूफ अच्छी अच्छी हवा
ठंडी ठंडी हवा लाने के लिए होता है। सो प्लीज़ इसमें से बाहर निकल के गाड़ी ना चलाएं। पर हाँ, यस, सनरूफ बहुत अच्छा है। चारों तरफ ये भी टिंटेड ग्लास है तो बाहर की धूप भी नहीं आती। साथ के अंदर इसमें जो कर्टन है ये भी बहुत मोटा है। सर पता है होता क्या है, बहुत सारी ब्रांड्स जो है ना उनका ये जो कर्टन है ना ये ना ऐसे ट्रांसपेरेंट सा होता है, उसमें से उस टाइम पे क्या होता है हीट ज्यादा अंदर आता है और धूप ऐसे दिखता है कि यार सनरूफ में से पूरा ब्लैक जो इंटीरियर दिया है उससे सबसे पूरा ब्लैक रखा है चारों तरफ ब्लैक। यस, और ये थीम बहुत ही मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है दिखने में, जिसे कहते हैं ना गुड थीम, वैसे वाली सी चीज है। साथ ही अंदर गाइज यहाँ पर आपके पास में एक रोटरी नॉब है। अब ये रोटरी नॉब काम क्या करता है उसके बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर आपको तीन ड्राइव मोड्स मिल रहे होते हैं। सो यहां पर आपके पास में इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। मैं क्या करता हूं, मैं इस लाइट को हटा देता हूं ताकि हमारे पास में एक्शन कैमरे को ज़ूम किया जा सके। तो देखो गाइस ये बहुत बड़ा फायदा एक्शन कैमरा का। अब यहां पर देखोगे ना आप तो आपके पास में यहां पर तीन मोड आ गए, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो इको में क्या होगा, आपकी गाड़ी का पावर जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको माइलेज जो है वो और अच्छा मिलने लग जाएगा। उसी के साथ के अंदर आप नॉर्मल में जब काम में लेंगे तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस, जिसे कहते हैं ना प्लस माइलेज वो। और स्पोर्ट्स में तो आप जानते हो कि अगर आपको गोली बनना है 160 BHP का इस सेगमेंट में सबसे टॉप पावर। अच्छा 160 BHP गाइस, जो इसमें GT लाइन में आपको इंजन मिल रहा है 1.5 लीटर टर्बो। यस, तो वो जो इंजन है वो वन शंट पावर वाला है। उसी के साथ में आप इस जो डायलर मोड है इसको दूसरे तरीके से काम में ले सकते हो। आप इसको जैसे ही टैप करते हो वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है ट्रैक्शन में, और ट्रैक्शन में जैसे आप इसे कन्वर्ट करेंगे वैसे आपके पास में मोड्स मिलते हैं स्नो, मड और सैंड। तो जैसे ही आप अगर सैंड में जा रहे हो तो आप उस मोड के अंदर इस गाड़ी को काम में ले सकते हो। तो अगर आप इसको सैंड, स्नो, मड जिसमें भी आप लेंगे उसके बाद में आपकी गाड़ी का जो ट्रैक्शन लेवल है वो उसी हिसाब से चेंज हो जाता है ताकि आप आराम से निकल सके। तो जितने भी लोग नए लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फंडा होता है। बिल्कुल, मिट्टी में जाओ तो सैंड कर दो, बिल्कुल स्नो में जाओ तो आपकी पावर ज़्यादा रिड्यूस होगी। हाँ, पावर को ज़्यादा एफिशिएंटली आप आगे ग्रो कर पाओगे गाड़ी को। यस, तो फंसेगी नहीं, बहुत बेसिक सी, बस बेसिक सी चीज़। उसी के साथ में गाइस यहाँ पर आपके पास में और खूब सारा स्पेस है जिसमें आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, फिर से हल्की सी लाइट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहां पर आपके पास में थोड़ा और स्पेस मिल जाता है। उसी के साथ के अंदर आपको यहां पर देखा जाए, मैं क्या ऊपर वापस फिट कर देते हैं, यहां पर आपके पास में एक तो 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, उसी के साथ में USB और USB के अलावा सी टाइप जो पोर्ट है ये भी आपको मिल जाता है। तो नए जितने भी जनरेशन के हमारे सेलफोन्स वगैरह हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी चीज़ को चलाने के अंदर, आप इससे या इससे काम में ले सकते हो। इसी के साथ में एक छुपा हुआ यहाँ पे हिडन एक और स्पेस है जिसके अंदर आपको मिलता है वायरलेस फोन चार्जर। सो देखो आज विथ कूलिंग पैड, तो आज के टाइम ना सबके पास में फोन वायरलेस फोन ही है। सो देखो अभी आप अगर अपना फोन जो है इसको आप यहाँ रखते हो तो आपका फोन चार्ज होने लग जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। उसी के साथ में अगर आप चार्ज ना करो तो एक से ज्यादा फोन भी यहाँ रख सकते हो। साथ के अंदर गाइज यहाँ पर जब आप देखोगे तो SUV ना, मतलब ये मैंने सबसे पहले फीचर डिफेंडर में देखा था, एंड सर ये बहुत ही इफेक्टिव फीचर है फॉर SUV। यहाँ पर आपके पास एक ग्रैब हैंडल आता है, तो जो लोग यहाँ बैठे हुए होंगे अगर आप गाड़ी बहुत स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो तो आराम से आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। उसी के साथ में यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा एयर कंडीशनिंग के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ बटन बहुत सारे हैं तो लोगों को ना प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये पूरी तरह टच होता ना तो कई बार क्या होता है जब आप ड्राइव करते हो ना तो यहाँ बटन्स पे आपका हाथ नहीं जाता। तो यहाँ पर हमारे पास पहले डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जिसमें इधर और इधर आपका चेंज कर सकते हो। साथ ही के अंदर फ्रंट और रेयर डिफॉगर यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको जहाँ पर भी AC का थ्रो चाहिए एयर का आप उसको मोड से एडजस्ट कर सकते हो। सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए बाहर चाहिए वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप सिंक कर देंगे तो दोनों जो जोन है वो एक बराबर चलेंगे, अगर आप सिंक ऑफ कर देते हो तो उस केस के अंदर इधर का टेम्परेचर अलग, मतलब आपको ज़्यादा ठंड चाहिए आप ठंड लो, मैं नॉर्मल टेम्परेचर रखना चाहता हूँ तो मैं मेरे हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से हमने AC को ऑफ कर दिया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ मिल रहा होता है, फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, AC स्टार्ट कर सकते हो। ये रहे यहाँ के, अब जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये बिल्कुल ऐसे ना एक लाइन में आपको दिख रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे नहीं दिख रहा होता, जो कि एक मुझे बहुत अच्छा फैक्टर लगा। आपकी विजिबिलिटी में आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम कहीं पर भी आड़े नहीं आ रहा होता, और उसके लिए सेटअप, मीडिया, रेडियो,
ट्रैक कौन सा आपको करना है, स्टार जो अपने फेवरेट बटन होता है वो, नेविगेशन इनबिल्ट आपको मिल रहा होता है, ये सारी जितनी भी चीज़ें आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ में बड़े ही क्यूट से दो आपको रोटरी नॉब मिल रहे होते हैं। अब हमने आवाज़ वापस कम कर दी, नहीं तो कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में मिलते हैं दो पैडल शिफ्टर, हमने सोचा जब हमें दिखे गए तो हम आपको फिर बता देते हैं। सो पैडल शिफ्टर आपको मिल जाता है, स्क्रीन बहुत ही फ्लूडिक है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो वही जो ह्युंडई किया जो ग्रुप है उसके जो सॉफ्टवेयर का यूआई है वही आपको यहाँ देखने को मिल रहा होता है, और बहुत ही अच्छा आपके पास में जिसे कहते हैं ना अच्छी विजिबिलिटी वाला, वो आपका सारा का सारा ये कंट्रोल दिखता है। सेम टाइम ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में भी आपके पास बहुत सारे फंक्शन है जो टॉप मॉडल है। अब उसमें दो तीन चीज़ें और ऐड ऑन हो जाती है, इस गाड़ी में नहीं है। सबसे पहले एक तो आपको मैट ग्रे कलर मिलता है, राइट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो कलर। मैंने सिर्फ बाकी इन्फ्लुएंसर्स के पास देखा है, आई विश सम डे मेरे पास में भी वो गाड़ी आए, मैं उसको एक्सपीरियंस करूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इंडिकेटर देते हो तो ये जो जगह आपको दिख रही है ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग एक्सेस करने के लिए, जो आपके टॉप वेरिएंट है उसके अंदर यहाँ पर आपका जो 360 कैमरा है उसका यहाँ पर भी आपको विजिबिलिटी दिख रही होती है। तो आप अगर ऐसे करोगे तो इधर का और ऐसे करोगे तो इधर का, तो आप अंदर की तरफ बैठे हुए जैसे इंडिकेटर देते हो वैसे ही आपको यहाँ पर व्यू दिख रहा होता है। सबसे पहले मैंने फीचर XUV700 में देखा था और इस गाड़ी में भी अभी फीचर आ गया, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अच्छा फीचर है। उसी के साथ के अंदर आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो भी टॉप वेरिएंट में मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, यहाँ आप जब देखोगे ना तो आपको हल्का सा ना अलग से मॉड्यूल दिखेगा, मतलब बाकी सारा डैशबोर्ड अलग और ये वाला पार्ट अलग, क्योंकि जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें हेड्स अप यूनिट आपके पास में अलग से आ रही है। तो यहाँ से जैसे आप बटन दबाओगे वैसे ही आपको यहाँ पर एक हेड्स अप यूनिट दिखने लग जाती है जो कि सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिल रही होती है। उसी के साथ में यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको यहाँ बटन मिल जाता है, जिसके अंदर अगर आप रेड लाइट पे कभी खड़े हो गए तो क्या होगा, आपकी गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाएगी, और तो जैसे आप क्लच या ब्रेक दबाओगे वैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। गाइज ये जो गाड़ी है ये BS6 फेज 2 कंप्लाइंड है, तो जितने भी लेटेस्ट OBD रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे आपको इस गाड़ी में मिल रहे होते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर हेडलाइट लेवलाइजर है, और नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो आपके पास में जो 50 लीटर का टैंक है उसको अगर आपको रीफिल करना है तो आप यहाँ से इसको प्रेस करोगे और वहाँ से फ्यूल लिड का बटन ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ आपके पास में डेड पैडल है, बहुत अच्छा है, और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में जो ब्रेक और एक्सेलेटर के पैडल है वो बहुत ग्रिपी और स्पोर्टी आपको फील दे रहे होते हैं। यहाँ से आप हुड ओपन कर सकते हो। वैसे अभी इंजन और इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो हमने सोचा अभी इसको ओपन कर लेते हैं। AC वेंट का थ्रो भी बहुत प्रॉपर है और उसके साथ में आपकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। अलग से गाइज हम ट्राई करेंगे कि ये जितने भी आपके फंक्शंस हैं, स्क्रीन्स और बाकी सारी चीज़ें, इस पर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएं। अब हम क्या करते हैं, अंदर से तो हमने बेसिक सारी गाड़ी का एक बेसिक एक्सपीरियंस कर लिया है, अब हम चलते हैं गाड़ी में बाहर की तरफ और बाहर का एक्सपीरियंस कराते हैं। मगर उससे पहले एक बार भैया जब बैठे तो आराम से आप देखो कि यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा होता है। अब हम क्या करते हैं, हम बाहर चलते हैं और इंजन जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। अब गाइस दिखाते हैं हम आपको सबसे पहले गाड़ी का इंजन। सो आज हमने थोड़ा सा हैक ट्राई कर लिया, हमने पहले इसको खोल के एडजस्ट कर लिया, बहुत अच्छा वेट है ऊपर वाले हुड के अंदर। इस गाड़ी के अंदर कुल मिला के आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास में 2 फ्यूल ऑप्शन मिल रहे होते हैं, पेट्रोल और डीजल में ये गाड़ी आपको मिलेगी। अब इसके अंदर आपके पास में 1.5 लीटर का इंजन ऑप्शन है, पेट्रोल और डीजल, और उसके अंदर जो आपको बेस इंजन है वो तो क्या है, नॉन टर्बो आएगा। 1.5 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम जो इंजन है वो प्रोड्यूस करेगा 115 PS पावर और 144 NM टॉर्क, तो वो तो हो गया बेसिक इंजन। सपोज़ करो उस गाड़ी में है तो वो स्टॉक गाड़ी है, उसमें वो इंजन होगा। और कमेंट करके अगर आप मुझे बोलोगे, और अगर मुझे एक भी कमेंट मिला इस गाड़ी से रिलेटेड कि बेस वेरिएंट पे वीडियो बनाओ, तो आई ट्राई कि यहाँ पर वो जो सिल्वर वाला वेरिएंट है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, पर आप मुझे बोलोगे तो वो किया जाएगा। पहली चीज़, तो सबसे पहले आपके पास में MPI टेक्नोलॉजी पे पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर का नॉन टर्बो, जो कि प्रोड्यूस करेगा 115 PS पावर और 144 NM टॉर्क। अब ये जो इंजन है
ये आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा और साथ के अंदर इंटेलिजेंट IVT जो ट्रांसमिशन है आपका, जिसके अंदर आपका क्लच लेस होता है ना, उसके अंदर भी नहीं वो तो IVT तो दूसरा हो गया, IMT होता है वो तो, सॉरी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, सॉरी। तो इसके अंदर 6-speed आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और IVT ट्रांसमिशन आपको मिलेगा पहले वाला। तो अब इसके बाद में ये वाला जो इंजन, दूसरा वाला जो इस ऑप्शन में आपको GT में मिलेगा, वो टर्बो के साथ में मिलेगा, पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का, जो कि प्रोड्यूस करेगा 160 PS पावर और 253 Nm टॉर्क। तो वो होगा मोस्ट पावरफुल इंजन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पीछे की तरफ उसके अंदर जो एग्जॉस्ट टिप है वो भी डुअल आएगी और क्रेजी पावर। अब ये वाला जो इंजन है वो से जो आपको मिलेगा वो 7 DCT के अंदर मिलेगा और 6-speed IMT जो है उसके अंदर आपको ये मिल रहा होगा। अब ये वाला जो इंजन हमारे सामने, सॉरी बहुत ज़्यादा लाउड है चारों तरफ, तो तीसरा वाला जो आपको ऑप्शन नहीं, मतलब ये वाला जो आपको इंजन सामने की तरफ है, ये CRD है, मतलब डीजल इंजन है। ये इंजन आपका 116 PS पावर जनरेट कर रहा है और 250 Nm टॉर्क जनरेट कर रहा है, बिग फैन ऑफ डीजल। और ये इंजन भी आपको 6-speed AT और 6-speed IMT ट्रांसमिशन मिल रहा होता है। सो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन जो आता है ना, उसके अंदर आपको मिल रहा होता है। मेरा फेवरेट IMT है, क्योंकि जयपुर से मुंबई में सोनेट का IMT चला कर गया था और इससे प्यारा एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही ज़्यादा क्लीन इंजन भी आपको मिल रहे होते हैं। एयर फिल्टर बॉक्स आपका यहाँ पर इंजन हो गया और उसी के साथ में यहाँ आपके पास में टर्बो हो गया। 4-cylinder आपका इंजन आ रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन आपको मिल रहा होता है। ये तो रही इसकी बातें, अब हम बात करते हैं कि गाड़ी की ऑल ओवर साइज़ क्या है। सो थैंक यू सो मच मनीष जी, लाइटें सारी की सारी ऑन करने के लिए। मनीष जी हमारे पुराने कलीग हैं और अब आपको हम दिखाते हैं आगे की लाइट्स। सो सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत डायमंड जैसी शेप वाली आपको गाड़ी के अंदर लाइट्स मिल जाती है और बहुत ही अच्छा इनका थ्रो है। DRL जो है वो आपको यहाँ तक मिल रही होती है, बहुत सारी का हो सकता है मुझे अगले मॉडल तक जाते जाते ये वाली कनेक्ट भी हो जाए। उसी के साथ में नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से दिखने वाले आपके इंडिकेटर्स दिख रहे होते हैं और ये वाली जो लाइट है ना DRL वाली, भाई साहब ये तो सही में ना दूर से आप देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे डायमंड्स लगे हुए हों वैसे वाली। नीचे की तरफ गाड़ी के अंदर जो फॉग लैम्प है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक USP इस गाड़ी की। सामने का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होता है। ऊपर की तरफ जब आप विंडशील्ड में यहाँ देखोगे तो आपको एडास वाला जो कैमरा है वो दिख रहा होता है और उसी के साथ में रेन सेंसिंग वाइपर जैसी सारी चीज़ें। थैंक यू भाई साहब। और जब आप पीछे की तरफ से देखते हो तो गाड़ी में आपको एक पूरी की पूरी कनेक्टिंग टेल लैम्प दिख रही होती है, कुछ इस तरीके से दिखने वाले आपको इंडिकेटर्स दिख रहे होते हैं, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट, अच्छे दिख रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी की हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और साथ के अंदर रिवर्स की जो लाइट है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइज ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप कुछ इस तरीके की देखेगी, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। और नीचे की तरफ रिवर्स वाली जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। पीछे का लुक कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और थैंक यू सो मच गौरव सर, हमारे आप हमारा पार्ट बन चुके हो वीडियो का। सो कुछ इस तरीके से दिख रही है। सेम टाइम अंदर की तरफ जब आप रिवर्स कैमरा देखते हो तो रिवर्स कैमरा और बाकी 360 कैमरा जो है उसकी कुछ इस तरीके से विजिबिलिटी है, अच्छी है। आज के ज़माने में गाड़ी भिड़ाने से अच्छा है कि आप पहले चेक कर लो कि कहाँ टच होने वाली है। सो आप अपनी गाड़ी को चारों तरफ से जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ से चारों तरफ से आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी आपको दिख रही है, टायर्स वगैरह की। और टॉप वेरिएंट में होता क्या, जैसे आप इंडिकेटर देते हैं वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिखने लग जाता है। सेम टाइम गाड़ी के जितने भी पार्किंग सेंसर है यहाँ पर वो अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं कि भाई साहब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। अभी भी आप अगर गाड़ी भिला दो तो भाई साहब फिर तो सल्यूट होना चाहिए आपको। तो ये तो रही यहाँ की सारी बातें और अब हम दिखाते हैं आपको गाड़ी की बाहर की साइज़। सो अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ, टायर टू टायर व्हील बेस, तो आपको गाड़ी के अंदर 2610 mm का व्हील बेस मिल रहा होता है। उसी के साथ में अगर गाड़ी की ऑल ओवर साइज़ की मैं बात करूँ तो गाड़ी की इस ऑल ओवर साइज़ 4365 है। कंपनी ने हमें बताया, मतलब यहाँ की जो टीम है उन्होंने हमें बताया कि गाड़ी की ऑल ओवर जो साइज़ है वो थोड़ी सी लंबी कर दी गई है। साथ ही के अंदर अगर गाड़ी की मैं ऑल ओवर विड्थ की बात करूँ तो गाड़ी की ऑल ओवर विड्थ अब बन चुकी है 1800 mm और साथ के अंदर गाड़ी की जो ऑल ओवर हाइट है विदाउट रूफ रेल्स वो है 1645 mm। साथ में गाड़ी में जो कलर्स अवेलेबल है, मतलब बाकी तो छोड़ो
दिस इज माई फेवरेट कलर। सो गाड़ी के अंदर आपको कुल मिला के ये ऑलिव कलर मिल रहा होता है, इसके बाद में वाइट में आपके पास में डुअल ऑप्शन है कलर के, सिल्वर कलर मिल रहा होता है, ग्रे मिल रहा होता है, और साथ के अंदर आपको ब्लैक, रेड एंड ब्लू कलर मिल रहा होता है। अगर आप डुअल टोन की बात करो तो वाइट और रेड कलर में आपके पास डुअल टोन होगा, जिसमें आपकी रूफ ब्लैक होगी और बाकी पार्ट वाइट या रेड होगा। और जो इसका सबसे एक्सक्लूसिव कलर है वो आपको मैट के अंदर ग्रे कलर मिल रहा होता है। किया सांगी, किया मोटर्स, किसी दिन मुझे मौका दो, मुझे उस गाड़ी का भी एक्सपीरियंस लेना है। तो ये रही सारी की सारी गाड़ी के बारे में बातें। आई होप हमने मैक्सिमम इस गाड़ी से रिलेटेड सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व कर दी है। अगर उसके बाद में भी कुछ बचे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, विल ट्राई कि हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में, और तब तक अपना ख्याल रखना, ऐसे प्यार बरसाते रहना। अगर आपको किया सांगी का एक्सपीरियंस, मतलब किया का एक्सपीरियंस लेना है, तो किया सांगी आउटलेट जो है वहाँ पर आप आ सकते हो, गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हो। भाई साहब भर के लोग, तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम इनका भी लिंक डाल देंगे। तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में।